वहीं जयपुर में आज मिले 9 कोरोना संक्रमित, यह बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि संक्रमितों में कई स्कूल के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। स्कूल के बच्चों में संक्रमण से चिंता जो है वो बढ़ रही है, ये बड़ी खबर। बड़ी खबर, जयपुर में आज 9 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। संक्रमितों में कई स्कूल स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। स्कूल के बच्चों में संक्रमण से जो चिंता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जयपुर में आज 9 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं मरीजों की जो संख्या है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो इसमें स्कूल के बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं शामिल नजर आ रहे हैं, जो चिंता विषय बढ़ा रहा है। आशुतोष जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहा है और उसमें बच्चों का शामिल होना कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाता है। हाँ देखिए, बिल्कुल, राजधानी के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता का विषय यही है कि जो लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है वो तो एक बड़ी चिंता है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चिंता यह है कि लगातार स्कूली जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। आज की बात करें तो जो 9 नए संक्रमित राजधानी जयपुर में दर्ज हुए हैं, इसमें से 3 स्कूली बच्चे बताए जा रहे हैं। इनमें से एक स्कूली छात्र ऐसा है जो कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, 2 रेगुलर स्कूल में जाके क्लासेस ले रहे थे, और ये तीनों के तीनों मानसरोवर के 2 बड़े निजी स्कूल हैं, उसी स्कूल के बताए जा रहे हैं, अलग अलग स्कूल के। दोनों ही अपने आप में बड़े स्कूल हैं। इलाके की बात करें कि जयपुर में कौन कौन से इलाके में मामले सामने आए हैं, तो अजमेर रोड से 1 मामला सामने आया है, सिविलान इलाके से 1 मामला आया, टी स्कीम इलाका, पौश इलाका, यहाँ से भी 1 नया संक्रमित दर्ज हुआ। जयसिंहपुरा खुर्द की बात करें, 1 नया मामला हुआ है। जौहरी बाजार परकोटे तक जो ये संक्रमित है वो पहुंच चुका है, 1 मामला सामने आया, महेश नगर में 2, सोडाला में 2, कुल मिला के 9 नए मामले। लेकिन इनमें चिंता का विषय ये कि 3 स्कूली स्टूडेंट्स हैं, और खास बात यह कि घर बैठा व्यक्ति भी, यानी कि घर पे बैठा जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था वो बच्चा भी संक्रमित पाया गया। अब उसकी बिल्कुल चिंता जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से स्कूली बच्चे जो हैं वो भी कोरोना संक्रमित यहाँ पर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष, तमाम जानकारी के लिए।